हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल जेके मैथ मस्ती। आई एम जितेंद्रा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हरियाणा स्टेटिक जीके। दिस इज द 18th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड 17 स्टेट। इन दिस प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पंजाब। नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट अबाउट हरियाणा। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गाइस, देयर इज वन थॉट, दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूध दही वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बात करते हैं हरियाणा का लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ 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 तथ्य अबाउट हरियाणा। इस वीडियो में जितना भी स्टैटिक जीके हो सकता है हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग पूरा बात करेंगे। तो यहाँ पे एक वीडियो देख लेते तो आपका पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। मैं श्योर हूँ, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। आपको दूसरे नो नीड टू वॉच एनदर वीडियो एनदर चैनल। तो मैं आपको श्योर करता हूँ, मैं आपको 100% गारंटी ठोक कर देता हूँ कि आपके इससे के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये पूरा टोटली स्टैटिक जीके मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं जाकर। वहाँ पर टोटली स्टैटिक जीके के बारे में नहीं बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट है तो वो बता देते हैं। और चलो छोड़ो, बढ़ गए, चले गए। तो मैं आपको पूरे स्टैटिक जीके बताऊंगा। ये वीडियो लेंथी हो सकता है, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है, बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, और चैनल नया है तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आई एम अ ग्रेट नीड टू सब्सक्राइबर राइट नाउ। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में डालें, जहाँ भी डालें। मुझे बहुत ही सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो जल्दी मुझे चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो बात करते हैं हरियाणा का लोकेशन, जो कि हरियाणा का लोकेशन है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेरा जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, पंजाब लगता है उसके जो, और राजस्थान लगता है, और आपका देहरादून भी लगता है, मीन्स उत्तराखंड लगता है, और बात करें तो हिमाचल प्रदेश भी लगता है, और बात करें तो नई दिल्ली भी लगता है। यहाँ पर आपको दिख पा रहे हो जो कि हरियाणा है, वो नई दिल्ली को तीन तरीक़ों से, तीन साइड से उसको क्या करते हैं, कवर करती है, और यहाँ पे एक साइड से उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, तो वन टू यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे फोर फाइव स्टेट यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, और एक यूटी भी लग जाता है, यूटी दिल्ली की यूटी है। ठीक है, और राजधानी भी अपना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दे रहे हमें कौन कौन से बात की हम लोग, तो मध्य प्रदेश अप्रोक्स बहुत सारे स्टेट में 17 स्टेट बात कर चुके हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं मिस्टेक से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं श्योरली। ठीक है, तो वीडियो आप देखिए पूरा और मजे करिए और पूरा ज्ञान लीजिए। ठीक है, वीडियो से चलिए तो आगे चलते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश बात करते हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और बात करें यहाँ पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे उत्तराखंड भी बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश की बाकी अभी बात करना है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैप की बात करें तो मैप के बारे में श्रीलंका यहाँ पर है, और यहाँ पे कौन कौन से लगते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं हरियाणा डे, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा को मनाया गया था 1 नवंबर को, हरियाणा को भी, और पंजाब डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणा। ठीक है, तो लोकेशन आपका हरियाणा यहाँ पर है। आपको मानचित्र के अंदर भारत का जो नक्शा, यहाँ पर हरियाणा का लोकेशन है। कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो पंजाब लगता है, और यहाँ पे पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी, और चंडीगढ़ की यूटी भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है। मैं यहाँ पर जल्द बोल रहा हूँ, तो ये नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आवाज़ मेरा कैसा लग रहा है। मैं तो जल्द तो नहीं बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं स्लो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग। आई थिंक मेरा जो स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कर रिपीट कर बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा का आप क्या मैप यहाँ पर है देख पा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, नॉट न्यूज़ ये नहीं है, अपने करेंटली में जो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पहले 29 था, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 में
यूटी बना दिया गया किसको, तो जम्मू कश्मीर को। और फिर बाद में जाकर गवर्नमेंट बोली कि राज्य का दर्जा दीजिएगा, कब दिया जाएगा कोई कंफर्म। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से कंटेंट पर हम लोग बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन डे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, एवरी वन वीडियो बताता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। तो जब अपना सेशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद 10 MCQ मैं आपको दूंगा और 2 क्यूज दूंगा ठीक है। 10 MCQ डिस्कस करेंगे और इम्पैक्टफुल होगा और बहुत ही इम्परेटिव होगा, और 2 क्यूज मैं आपको दूंगा जो कि कमेंट सेक्शन में आता है ठीक है। तो वीडियो कौन तक जरूर देखें, MCQ मिस नहीं करें, क्योंकि MCQ जो आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको MCQ वहाँ पे क्रिएट किया हूँ ठीक है, तो वीडियो मिस ना करें। तो डिजर्टिंग राजस्थान, यहाँ पे तो राजस्थान का लग गया ठीक है। चलिए तो हरियाणा से बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं भाई हम बात करते हैं, तो 5 राज्य मैं आपको बता दिया और एक यूपी लगता है ठीक है। तो दिल्ली लगता है, पंजाब लगता है, दिल्ली क्या हो गया, यूटी हो गया, यूनियन टेरेटरी ठीक है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लगता है ठीक है। अरेबियन सी से इसका कोई भी दायरा नहीं लगता है, तो आपको याद रखना ठीक है। और फिर बात के जो कि जो हरियाणा का कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जब इसको पंजाबी हुआ था, इसको पंजाब पंजाब इसको पंजाब से ही अलग करके बनाया गया था। इसको हरियाणा को क्या, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो हरियाणी लोग बोलते हैं, तो उसे भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था ठीक है। और कर्नाटक और लाइक तेलंगाना, तेलंगाना को भी अलग करके कर्नाटका से भी उसको पंजाब उसके भाषा के आधार पर बनाया गया था ठीक है। तो इसको भाषा के आधार पर बनाया गया था ठीक है। इसको तो बात करें कि 1966 में बना था, 1 नवंबर को बनाया गया था ठीक है, भाषा के आधार पर इसे बनाया गया था। और हालांकि पुनर्गठन के एक पंजाबी सूबे, और पंजाबी में पंजाब में ज़्यादा पंजाबी लोग बोलते हैं उसको पंजाबी कर दिया गया, और हरियाणा में जो हरियाणी बोलते हैं उसे हरियाणी कर दिया गया ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, कुछ यहाँ पे तथ्य है आपको। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो ब्रीफ डिस्कशन वाली बात कर लेते हैं, इसका राजधानी क्या, फॉर्मेशन डे क्या है, टोटल एरिया क्या है, रैंक क्या है, तो बात कर लें ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ हो जाती है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, आपको याद रखना ठीक है। 1 नवंबर 1966 को इसको फॉर्मेट किया गया, बनाया, निर्माण किया गया। टोटल एरिया इसका हो जाएगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है ठीक है, और स्क्वायर मिली में देखा जाए तो 17,070 हो जाए ठीक है। और एरिया के अनुसार रैंक बोला जाए तो 31 रैंक हो जाता है, और सबसे फर्स्ट रैंक हो जाता है एरिया के अनुसार तो राजस्थान हो जाता है, और बोला जाए पॉपुलेशन के अनुसार तो यूपी हो जाता है ठीक है। पॉपुलेशन तो 25 ठीक है, 225 और 352, और यहाँ पर तो है 25,03,53,081 यहाँ का पॉपुलेशन ठीक है। और पॉपुलेशन रैंक बोला जाता है 18th इसका रैंक आता है, और डेंसिटी बोला जाए तो 573 किलोमीटर स्क्वायर है, और लिटरेसी रेट बोला जाए तो 75.55% है। सबसे जो नंबर वन पर आ जाता है लिटरेसी रेट में केरला ठीक है, आप याद रखना। सबसे डाउन में आता है तो आता है आपका बिहार। सेक्स रेशियो 871:879 है ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा सीट 19 है, आपको याद 90 है याद रखना आपको, लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। ये बड़ा राज्य नहीं है, तो ये शॉर्ट ही वीडियो होगा कंपेयर टू पंजाब और कंपेयर टू उत्तर प्रदेश राजस्थान ठीक है। और तो बात करें तो 22 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हाई कोर्ट जो कि पंजाब और हरियाणा का एक ही जगह है, और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है ठीक है। तो ठीक है, तो हरियाणा पंजाब का एक ही जगह है जो कि पड़ता है ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी बोली जाती है। और लेक यहाँ पे बहुत बोले तो बदखल लेक यहाँ पे, ब्यूटी लेक यहाँ पर ठीक है। फिर बात करें नदी, तो यमुना रिधर यमुना रिवर है यहाँ पे, और फाग डांस यहाँ पे होता है। नेशनल पार्क यहाँ बोलते हैं कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर अभी तो ओपन नहीं है, आई होप ये बंद हो चुका है अभी तक। और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है ठीक है। ठीक है, फिर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर कौन है, तो बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है, अब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है। तो फिर बात करें तो अभी बात करें तो अभी विधानसभा सीट मैंने बताया 19, लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट 5 है ठीक है, आपको याद रखती है। हरियाणा की जो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है फरीदाबाद हो जाता है, जो कि 1.42 मिलियन यहाँ पे लोग निवास करते हैं ठीक है। और बात करें तो 198 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है। और फिर बात करें वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू जो कि बन रहा है राजस्थान के अंदर बन रहा है, जो कि मैं यहाँ पे इमेज नहीं इंक्लूड किया हूँ तो सॉरी फॉर डेट इसके लिए, तो 351 फीट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कि शिवा टेम्पल बन रहा है जो कि राजस्थान में बन रहा है ठीक है। तो मैं इमेज यहाँ पे हटा चुका हूँ तो सॉरी फॉर डेट। टोटल डिस्ट्रिक्ट बोला था 20 22 डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको मैप भी बता ही दिया पहले दिखा दिया। तो
तो चलिए फिर बात करते हरियाणा बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं। मैं आपको पांच राज्य लगते हैं और एक यूटी लगते हैं, मैं आपको बताएं। तो इसका लोकेशन रहता है किस एरिया में, मीन्स किस दिशा में कौन से राज्य लगते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आपका पंजाब लगता है, ठीक है, और नॉर्थ 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 और नॉर्थ ईस्ट में लगता है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश लगता है, ठीक है, और ईस्ट में उत्तर प्रदेश लगता है और दिल्ली भी लगता है, ठीक है, मैं आपको बताया ना, ठीक है। और साउथ एंड साउथ वेस्ट में लगता है राजस्थान, ठीक है, आपको याद रखना। प्रेजेंट इन हरियाणा, हरियाणा में कौन से पार्टी से हैं और कौन से किस पद पर है बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी के नेता है, ठीक है, बीजेपी के लीडर है, ठीक है। और बात करते हैं गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय जी है, जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा है। इमेज के जरिए मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम रिमाइंड लगेगा, मेमोरी में आपको लॉन्ग टाइम के लिए सेट हो जाएगा, रिमाइंड लगेगा बहुत दिनों के लिए। और बात किया जाए सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस रवि शंकर झा जी, जो कि 6 अक्टूबर 2019 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। फिर बात किए तो अभी जो पास्ट में कौन की आप रहे, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर हो कि धर्मा बीरा, जो कि आपको इमेज में दिख रहा हो, जो गूगल बने हुए हैं। और फिर बात तो फर्स्ट सीएम जो कि भगवंत ध्यान शर्मा जी, आपको इमेज में दिख रहा होगा। और फर्स्ट सीजीआई कौन है, तो चीफ जस्टिस रामलाल जी, ठीक है, आपको याद रखना। तो फिर बात कर हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, मैं आपको बताया है कि हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है कॉमन ही हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कॉम्प्लेक्स सेक्टर रोड चंडीगढ़ में है लोकेटेड, आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात और सॉरी छूट है कुछ, तो टोटल हाई कोर्ट टोटल इंडिया के अंदर आई 25 है और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, जो कि एन वी रमन्ना जी यहाँ के क्या जज है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, तो अबाउट फॉर्मेशन डे मैं आपको बता ही दिया, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था इसको, चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाती है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिल्क पैल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दूध दही क्या पता है, मैं बताया, ठीक है। अभी हम लोग बात करें चीफ जस्टिस, फॉरेस्ट एरिया बात किए तो एरिया 1559 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और 15.997 यहाँ पर टोटल एरिया लग जाता है क्या आपका, लग जाता है फॉरेस्ट एरिया लग जाता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। और टोटल एरिया 1559 यहाँ पर एरिया हो जाता है, टोटल एरिया यहाँ का है क्या है, तो आपका फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे एरिया नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर, यहाँ पे कौन कौन से लगता है, हिमाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ में लगता है, राजस्थान जो कि वेस्ट साउथ में लगता है, और द रिवर यमुना डिफाइन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विथ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, मीन्स उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को क्या ईस्टर्न में डिवाइड करते हैं, कौन, यमुना रिवर डिवाइड करती है। हरियाणा ऑल्सो सराउंड्स दिल्ली ऑन थ्री साइड्स, मैंने आपको बताया कि जो कि हरियाणा है जो कि दिल्ली को तीन सराउंड से क्या करते हैं, इसको राउंड करते हैं, मीन्स सराउंड है, मीन तीन 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 साइड से इसको क्या करते हैं, घेरती है, ठीक है, साइड से, ठीक है। और एक साइड से क्या करता है, उत्तर प्रदेश करता है, नॉर्थ साउथ वेस्टर्न, ठीक है, बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। और बात करें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, मेरा एक और चैनल जेसी का ब्लॉग, जिस पर मैं कंप्यूटर रिलेटेड और ब्लॉगिंग मेरा होता है, तो और ब्लॉगिंग और कंप्यूटर रिलेटेड से आप नॉलेज गेट करना चाहते हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल को विजिट करिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए एक बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पॉपुलेशन की बात किया जाए तो मैं 2.86 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन हो जाता है, और ये राजस्थान का, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर राजस्थान में लिखा हुआ, यहाँ पर चेंज नहीं कर पाऊँ, तो सॉरी फॉर इट। लैंग्वेज हरियाणी पंजाबी और हिंदी बोली जाती है ऑफिशियल में, ठीक है। और बात आइडेंटिफाई सिंबल यहाँ पे कौन है, तो स्टेट एनिमल ब्लैक बक यहाँ पर है, ठीक है, स्टेट बर्ड यहाँ पे ब्लैक और फ्रैंक कोलिन है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट फ्लावर लोटस है, और स्टेट ट्री पीपल है, पीपल जो कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है, पीपल के यहाँ पे पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रे भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ब्लैक फ्रेंकिलोन जो कि यहाँ पक्षी है, ठीक है। डिफरेंट डांस फॉर्म यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो द मेन डांस फॉर्म इन हरियाणा, ठीक है, तो सरागी डांस जो कि रासलीला भी बोला जाता है, फॉग डांस भी, लूर इज द वेल नोन डांस इन हरियाणा, लूर जो डांस है जो कि नोन वी नोन नोन डांस ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, पोर्ट कोई कोई नहीं है, ठीक है। तो बात करें यूनेस्को की लिस्ट में यहाँ पे कौन कौन से, तो आर्किटेक्चर वर्ल्ड ऑफ ले कॉर्बेशियर कैपिटल ऑफ कम्प्लेक्स चंडीगढ़ को रखा गया, ठीक है, तो चंडीगढ़ में ये हरियाणा में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्लेस हो कि यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया, ठीक है।
इसके क्लस्टर कितने अंदर आते हैं, यूनियन, नेशनल एजुकेशन और ये बात तो साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके इसके अंदर इंडिया से 40 साइट्स हैं, ठीक है आपको याद रखना। और ठीक है आपको मैं आपको बताया तो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, हरियाणा और पंजाब में, पंजाब में ज़्यादा सर यहाँ पे वीट होता है, गेहूँ होता है, तो राइस भी होता है, वीट भी होता है, मैस भी होता है मीन्स पॉपकॉर्न होता है, वाइल्ड सीड्स भी होता है, शुगर केन भी होता है, कटन भी होता है, ठीक है। फिर बात नेशनल पार्क, यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क, बड़ा स्टेट नहीं है तो ज़्यादा यहाँ पे नेशनल पार्क भी नहीं है, वाइल्ड सेंचुरी भी नहीं है और रिवर भी ज़्यादातर नहीं है, तो ठीक है चलिए बात करते हैं। जो कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क अभी जो कि क्लोज हो चुका होगा अभी, मे बी आई एम नॉट श्योर, वाइल्ड सेंचुरी तो ज़्यादा नहीं है, मैं इतना इंक्लूड किया हूँ। तो अब उस हार वाइल्ड सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड सेंचुरी और बीर शिखरगंग वाइल्ड सेंचुरी और चिल चीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक है, कपसवार वर्ल्ड सेंचुरी, खोल हाय अरण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो जाती है। डैम से यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं है तो कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पर है, ठीक है, कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पे। और मैं आपको न्यूज़ बता दूँ कि जो कि न्यूज़ नहीं है, जो कि कुरुक्षेत्र जो हुआ था, ठीक है ना, जो कि आपको पता होगा, जो कुरुक्षेत्र जो कि महाभारत हुआ था, जो कुरुक्षेत्र जो प्लेस है जो कि हरियाणा के ही अंदर, इसका हरियाणा के ही अंदर, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र जो कि महाभारत के अंदर, जो कि कुरुक्षेत्र में खून ही खून बहा था वहाँ पे, अभी तक भी जो वहाँ पर लड़ाई हुआ है तो वहाँ पर जो वहाँ का मिट्टी जो कि भी लाल ही पड़ी हुई, ठीक है। और यहाँ से जब कुछ आगे जाएंगे जो कि मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र से, तो वहाँ पे ज्योतिसर एक स्थान होता है, क्या होता है, ज्योतिसर एक स्थान होता है, क्या होता है, एक ज्योतिसर स्थान होता है, ज्योतिसर जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है, गीता का ज्ञान दिया थे, उपदेश दिए थे, तो वहाँ पर कहाँ पर स्थान है, तो ज्योतिसर एक स्थान है, ठीक है, वो कि हरियाणा में पड़ता है। तो आप जाइएगा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, वेस्ट नहीं करते टाइम, बर्ड सेंचुरी कौन है, जो चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बीर सिंह का मैंने बात कर रही लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने बात कर लिया कलेश्वर नेशनल पार्क, मैंने बात कर लिया डियर हिसार नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ही है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। फिर बात करें टेम्पल यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो बात करें तो चामुंडा देवी टेम्पल है हिंदी में, सॉरी फॉर डेट, इंग्लिश में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है, फिर सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। चंदूरा देवी मंदिर जो कि नारनौल में है, राधेश्याम मंदिर जो कि पुंडरिक में है, जो कि अदिति मंदिर जो कि करनाल में है, ठीक है, करनाल में, कुरुक्षेत्र में जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है, और घटेश्वर मंदिर जो कि रेवाड़ी में है, देवी तालाब और शिव मंदिर जो कि पानी पत में, ठीक है, और पुराना शिव मंदिर पार्वती मंदिर जो कि पुंडरिक में, ठीक है, तो और फिर बात है 11 आरूढ़ी शिव मंदिर जो कि कैथल में, पंचमुटी हनुमान मंदिर जो कि गदाधरी में है, माता शीतला देवी मंदिर जो कि गुरुग्राम में है, जितना भी हो सकता है, जितना भी है हरियाणा के अंदर मंदिर में सबका इंक्लूड कर दिया, मनसा देवी मंदिर जो कि मनिजरा चंडीगढ़ के निकट ये जो पड़ता है स्थान, वहाँ पर दारूजी का मंदिर, और दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल इन द हरियाणा, ठीक है। मेजर रिवर तो यमुना रिवर, और बात कहे तो सहीबी रिवर ओके, और बात कहे तो घग्घर रिवर है जो कि यमुना रिवर है, ठीक है। और तो चलिए फिर मैं एक बात करते हैं, फिर लेक्स यहाँ पे तो ब्यूटी लेक्स यहाँ पे, ठीक है, और ब्यूटी प्लस नहीं ब्यूटी है, ठीक है, और बदखाल लेक और ब्यूटी लेक और ब्लू बर्ड लेक और ब्रह्मा सरोवर लेक और करेंट लेक लेक और करना लेक और सन्हित सरोवर लेक और सूरज कुंड लेक है, ठीक है, और तिलियार भी लेक यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सब लेक है यहाँ के लेक से, ठीक है। फिर बात करें तो पावर प्लांट जो कि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, राजीव गांधी थर्मल पावर, सॉरी फॉरगेट, फिर ये जो थर्मल पावर प्लांट हो जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट GHAVT न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट जो कि गोरखपुर हरियाणा में पड़ता है, गोरखपुर एक जो कि यूपी में ही पड़ता है स्थान और ये हरियाणा में पड़ता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि मैं आपको बता रहा हूँ यूपी के परस्पेक्टिव से नहीं, हरियाणा में। सोलर पावर प्लांट यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और टोरेक्ट पावर लिमिटेड है और पूरा चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड है और मध्या
विद्युत विट्टम निकम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कमेटी लिमिटेड, और दो और बार जो होता है दक्षिण नंचन अभिद्यामपुर लिमिटेड। ठीक है, इंडिया का लास्ट 16 पावर प्लांट में हर एक वीडियो में बोल रहा था जो कि केरला में। ठीक है, फेमस एयरपोर्ट्स यहाँ पे कौन कौन से बात कर लेते हैं तो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिसार जो कि चंडीगढ़ में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, और हिसार एयरपोर्ट जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और करनाल एयरपोर्ट जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, और कलमा एयरपोर्ट और भिवानी एयरपोर्ट, ठीक है, ये सब एयरपोर्ट है। और आपको इमेज में दिख रहा होगा जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं जो कि एयरपोर्ट जो कि जयपुर में, ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो कि जयपुर में, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक यहाँ पर एक ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूपी के पास है। ठीक है, फेमस स्टेडियम की बात करें तो भीम सिंह स्टेडियम जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है, भीम सिंह स्टेडियम जो कि भिवानी में है, नाहर सिंह स्टेडियम जो कि फरीदाबाद में, हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद में है, और बुल्ट फुटबॉल स्टेडियम जो कि यमुनानगर में है, और नेहरू स्टेडियम जो कि गुरुग्राम में है, गुरुग्राम जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है जो कि हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर आईटी का हब कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कंपनी का हब भी कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्टेडियम जो कि हिसार में है, और द्रोणाचार्य स्टेडियम जो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो कि एचएयू हिसार में है, महाराजा अग्रसेन बेंसीलाल लोहरी रहतक में है, और हुंडा कॉम्प्लेक्स पंचीचूला में। ठीक, फिर बात के मेजर ट्राइब्स यहाँ पे कौन का, तो जेक्स टाइप है, राजपूत टाइप है, अहिरस ट्राइब से, और रोस टाइप से, और गुज्जर ट्राइब से यहाँ पे। ठीक है, ट्राइब से सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोनूमेंट्स बोले जाए, कौन कौन से स्थान है यहाँ पे तो घूमने आपको जाने के लिए, तो यहाँ पे हवा महल है, तो आपका ये तो आपका हरियाणा में नहीं पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर पाता, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगा आफ्टर एडिटिंग के बाद। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक, अजमेर फोर्ट जो कि जयपुर में है, जयपुर सिटी, और बात करें तो हवा महल, ये सारे जो कि है जो राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है, ये मिस्टेक से बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर पाया हूँ, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। और तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हरियाणा में कौन कौन किन नामों से निक नाम, तो पानीपत को आपको सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात की जाए तो नेक्स्ट बात करें तो ये तो आगे बात करें तो डिफरेंस फोक डांस यहाँ पे कहो तो फाक डांस, डाफ डांस, डालांस डांस, और लूर डांस, और झूमर डांस, और खोरिया डांस यहाँ पे है, खोरिया डांस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हरियाणा का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है, तीज फेस्टिवल मनाया जाता है, और होली भी मनाई जाती है, लोहरी भी होली के बाद मनाया जाता है, और दिवाली भी मनाया जाता है, बसंत पंचमी मनाया तो गेंडोरी मनाया जाता है, बैसाखी और तीज भी मनाया जाता है। ठीक, और जी आई टेक ज़्यादा नहीं दिया गया यहाँ पे, फुलकारी जो कि दिया गया, और बासमती राइस को भी दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बट ये जो है ये दोनों को दिया गया, ये नहीं कि आपको हरियाणा को दिया गया, ये पंजाब और हरियाणा दोनों को भी एक ही राज्य था तब भी दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी डिफॉल्ट बन गया। ठीक है, तो चलिए अपना ये सेशन जो डिस्कस का सेशन था वो समाप्त हो, अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो मैं एमसीक्यू में आपको बताऊंगा, और इसे 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, और आपको आंसर बताना। ठीक है, 5 सेकंड का। तीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तीज जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है और यूट्यूब मरे, तो आई एम गिविंग यू 5 सेकंड, ओके, एंड यू हैव टू गिव आफ्टर 5 सेकंड आंसर। तो हरियाणा इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, हरियाणा वुड बी द करेक्ट आंसर मीन्स गानावट। फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपको बताना है, आई होप यू वुड बी राइट, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आपको बताया था। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री शेयर्स बॉर्डर विच हरियाणा, मीन्स कौन सा जो देश है जो कि हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपने बताइए आंसर, तो फिर आई होप आप फिर भी सही होंगे। तो चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ देश, इससे कोई भी देश का सीमा नहीं लगता है, जो कि लैंड लॉक भी है, और इससे कोई भी ओशियन से भी इसका सीमा नहीं लगता। ठीक है, बात करें वो कहाँ पर आ गए,
चलिए, व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से है आपको बताना, ठीक है। तो चलिए आप राइट होंगे 100% आई होप। तो हिंदी और हरियाणी बोली जाती है, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है। तो हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। नीतीश कुमार जो कि बिहार के, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के, ठीक है, और भूपेंद्र भाई पटेल जो कि आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। व्हाट रैंक डज हरियाणा होल्ड इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द एरिया वाइज, एरिया वाइज जो कि हरियाणा का रैंक कौन सा हो जाता है, तो चलिए आप चूज करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, 21 रैंक हो जाता है एरिया के अनुसार, और पॉपुलेशन के अनुसार बोले तो 80 नंबर आता है, ठीक है, इसका स्थान। और सबसे बड़ा बोला जाए तो हरियाणा, सॉरी, आपका राजस्थान हो जाता है एरिया अनुसार, और पॉपुलेशन अनुसार पंजाब हो जाता है, ठीक है। पर तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो कैपिटल हो जाता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए ना, शर्मा के, और डोंट फील शाय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी राजधानी है, ठीक है, और यूटी भी है। हाउ मैनी स्टेट डूज हरियाणा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ, मीन्स हरियाणा कितने राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, 5 स्टेट करता है और 1 यूनियन टेरेटरी करता है, ठीक है। और वेन वाज द राजस्थान गिवन स्टेटहुड, मीन्स हरियाणा को कब, यहाँ पे हरियाणा रहेगा राजस्थान नहीं रहेगा, ठीक है, तो हरियाणा को कब राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर आंसर 1 नवंबर 1966 को दिया गया था, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इन एरिया वाइज, एरिया अनुसार कौन सा सबसे बड़ा राज्य सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो चलिए गिविंग 5 सेकेंड, और वीडियो पॉज करिए और अपना काउंट करिए कितना मेरा राइट आंसर होगा कितना और रॉन्ग, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद, आपको बताएं कि 1500 कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अपना एमसीक्यू खत्म हुआ आपका, अब आपकी बारी है। तो विच हु इज द लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ एक दो वीडियो में मैं राजस्थान के बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही लंबा वीडियो था, बट ये बहुत ही यूजफुल है, आप जा कर देख सकते हैं। सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और आपका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पसंद करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, ठीक है। तो और सेकेंड नंबर है जो कि आइडेंटिफाई हु इज इट, आपको पहचाना है किस राज्य के क्या है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये किसी राज्य के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको बताना, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो आपको पसंद, आई होप यू हैव लाइक्ड माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब्ड, एंड बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो और सब वीडियो देखिए और जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, और चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।